मैं कुछ भी कर सकती हूँ. कुछ भी कर सकती हूँ लाइक ठीक है कुछ भी मतलब क्या कर सकती हूँ ऐसा. Hey guys, कैसे आप लोग. आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. तब फोर भी अच्छा करने लेके आपके रेट से बहुत ही प्यारी वीडियो. तो आज की जो वीडियो होने वाली है प्रैंक वीडियो ही होने वाली है. तो मैं आपको बता दूं मैं प्रैंक करने वाली हूँ अपने एक यूट्यूब फैन पे. और यार बहुत टाइम से उसके ना इंस्टाग्राम पे लड़की है वो एक इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से उसके मैसेजेस आ रहे थे यार कि मुझे ना जॉब की ज़रूरत है और मुझे भी ना अपने यूट्यूब को मेंटेन करने के लिए मैनेज करने के लिए एक लड़की चाहिए. लड़की या लड़का जो भी है लेकिन अब उसे जॉब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. तो अभी मैंने उसको लाइव लोकेशन सेंड कर दिया है. मैंने बुला लिया उसको फोन करके. एक बार पूछ लेती हूँ बंदी कहाँ पहुंची है. बाकी जो वीडियो के रिएक्शन आने वाले हैं आप खुद देख लेना क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे. एक काम करते हैं फोन लगाते हैं बंदी को. तो एक तरीके से मैं उस पर प्रैंक करने वाली हूँ. मजा आने वाला है वीडियो में बने रहो. उठा ही नहीं रही यार फोन. पागल तो नहीं बना दिया यार मेरा. हेलो कहाँ पहुंची तुम. मैम बस मैं पहुँचने वाली हूँ 5 मिनट. यार जल्दी आ जाओ. तुम्हें पता ना स्पेशली मैंने तुम्हारे इंटरव्यू के लिए ना लाइक आज तुम्हें पता है आज मेरा ऑफ डे है संडे है और मैंने ऑफिस भी बंद कर रखा है. तो तुम्हारे लिए स्पेशली मैं वेट कर रही हूँ. मुझे बाहर जाना है किसी काम से. यस मैम सिर्फ 5 मिनट. लाइव लोकेशन सेंड कर दिया तुम्हें देख लो चेक कर लो और जल्दी आ जाओ है ना. ओके मैम. ओके तो पहुँचने वाली है बंदी. वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं वीडियो में क्या होता है. प्रैंक करेंगे मज़ा आएगा काटेंगे थोड़ा सा. तो बंदी आ चुकी है नोक रख रही है. एक काम करते हैं खोल के आते गेट. हाय अनन्या राइट. आ जाओ. गुड मॉर्निंग. ऑल गुड. ऑल गुड. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. हैव अ सीट प्लीज. अभी भी शादी हुई है क्या. अच्छा तुम बैठो आराम से कोई दिक्कत नहीं है. वैसे भी इतना प्रोफेशनल नहीं हो सकती मैं क्योंकि ऑफिस बंद है आज. वेलकम. तो हाँ बताओ फिर क्या रिक्वायरमेंट. तो मैं बता दी थी मैंने अपनी फ़ोन पे ही. तो बताओ अपना काम प्रोफाइल बताओ कैसे चले कैसे करोगी कैसे नहीं करोगी. एडिटिंग का मैनेजमेंट का कभी किया है कोई यूट्यूब चैनल मैनेज. अभी तक तो नहीं किया बट मैम मेरे को एडिटिंग आती है. एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत. एडिटिंग वही मैं बोलूँ एक्टिंग कैसे आती है यार. एक्टिंग के लिए तो मैंने बुलाया नहीं है तुम्हें. एडिटिंग आती है. हाँ जी. मतलब किस हद तक तुम एडिटिंग कर सकती हो प्रो लेवल की या फिर एक एवरेज. दिखाओ. वैसे आज तक कभी यूट्यूब चैनल हैंडल नहीं किया क्या तुमने किसी का भी यूट्यूबर का. तो मतलब यू मीन फ्रेशर ही हो तुम एक तरीके से. और फ्रेशर को तो बहुत मेहनत लगती है यार. उस पर बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ता है. तो मतलब बहुत ज़्यादा सिर दर्दी है. प्रोफाइल ठीक है यार ओके है बट जिस लेवल की मुझे एडिटिंग चाहिए ना वो लेवल नहीं है यार. आई एम सो सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक लेकिन उस लेवल वाली एडिटिंग है नहीं. क्योंकि अब तो तुम्हें पता ही है जैसे अब 1 मिलियन प्लस का चैनल है मेरा है ना. तो अब एडिटिंग तो मुझे अच्छी चाहिए होगी प्रो लेवल की एडिटिंग चाहिए होगी है ना. तो फिर यार ये वाला तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है मुझे. क्योंकि बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आ रही है एक पिक्चर में भी. अब मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट भी चाहिए हर चीज़ मैनेज करा रही हूँ. तो मैं अगर पैसे दे रही हूँ तो सामने से कुछ तो एक्सपेक्ट करती हूँ राइट. नहीं नहीं सीखने वाला बंदा मुझे नहीं चाहिए ना. मुझे तो सीखा सिखाया बंदा चाहिए. अब सीखा हुआ बंदा होगा ना उसे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी मुझे. लेकिन अब नया बंदा आएगा फ्रेशर आएगा तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे सर खपाई करनी पड़ेगी उस पर बहुत ही ज़्यादा. मैम मेरे को बहुत नीड है जॉब की आप समझ नहीं रहे. मुझे पता है आपको जॉब की बहुत ही ज़्यादा नीड है इसलिए मैंने आपको बुलाया. बट मैं आपकी प्रोफाइल चेक करना चाहती थी ना. प्रोफाइल में वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए. मैम प्लीज मैं कर लूँगी. अनन्या बात को समझो. वैसे एक बात बताओ और कहाँ से हो बेसिकली. मैम मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली से ही हो और अभी अभी हुई है क्या आपकी मैरिज. हाँ जी मैम. वो मेरे को चूड़े से पता लग के गया था. वैसे नाइस टैटू. हाँ माँ तो फिर देखो ऐसे है कि अभी तो नहीं कुछ टाइम बाद रुक के अगर मुझे एडिटिंग करानी होगी तुमसे तो मैं एक बंदा तुम्हारे एक बंदे के अंडर तुम्हें रख दूंगी. वो तुम्हें अच्छे से काम सिखा देगा. अभी तो फिलहाल नहीं हो पाएगा. मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है. मुझे पता है आपको जॉब की नीड है लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि मुझे प्रो लेवल का बंदा चाहिए जो एडिटिंग में बिल्कुल ट्रेंड हो. थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं जल्दी से जल्दी एडिटिंग सीखूंगी.
और यार आपको समझ नहीं आ रही, आपने मुझे कॉल पे क्या बताया था कि मेरे को प्रॉपर तरीके से एडिटिंग आती है इसलिए मैंने आपको बुलाया घर पे, जबकि इवन ऑफिस भी मैंने आज बंद कर रखा है फिर भी मैंने आपको घर पे स्पेशली टाइम दिया अपना, वेट किया आपका। तो यार आप समझो बात को, ऊपर आप मेरी नहीं समझ रहे हैं, आप मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है, वरना मैं आपको नीड है, मुझे भी एक ऐसे बंदे की ही नीड है, एक ऐसी लड़की की ही नीड है जो प्रॉपर तरीके से प्रो लेवल की एडिटिंग करे। मैनेजमेंट आपने कभी आज तक किया नहीं, यूट्यूब पे आपने लाइक कभी किसी यूट्यूबर का चैनल आपने हैंडल नहीं किया है, इंस्टाग्राम आपने हैंडल नहीं किया है। अगर मुझे इंस्टाग्राम के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट चाहिए होगी तो वो आपको एडिटिंग आती नहीं है उस लेवल की जिस हद तक मेरे को एडिटिंग चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, ma'am. तो आई एम सो सॉरी यार, ये तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ इन फ्यूचर मेरे पास कोई भी काम होगा आपको लेके तो मैं आपको कॉल कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर सकती हूँ मैं आपके लिए, बट मेरे चैनल के लिए तो पॉसिबल नहीं है यार। तो सॉरी यार, यू मे लिव फॉर द डे, जा सकते हो आप आज के लिए तो, क्यों? Ma'am, please, ma'am. अच्छा ये बताओ क्या कर सकते हो आप मेरे लिए, लाइक आपको तो पता है जॉब्स में हर जगह पे हर इंडस्ट्री में आजकल कॉम्प्रो चलता है, एग्री? यस मैम, हर जगह चलता है, हर जगह अगर तुम्हें कुछ वो गिव एंड टेक कहते हैं ना, जैसे गिव एंड टेक चलता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ता है बदले में। तो तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए ऐसा कि जिससे मैं कन्विंस हो जाऊँ कि ठीक है ये बंदी ओके है, मैं इसको रख लेती हूँ? कॉम्प्रो मैं से रेडी हो तुम कॉम्प्रो के लिए? मैं तो एक गर्ल हूँ, मेरे को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड है, मेरी न्यू मैरिड हुई है और मेरा हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है कि मैं कोई जॉब करूँ। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ अनन्या, आप बात को समझो, लेकिन आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, मैं आपसे वो पूछ रही हूँ, मुझे आप एक ऐसी चीज़ बताओ जिससे मैं कन्विंस हो जाऊँ आपको जॉब पे रख लूँ। आई एम रेडी फॉर कॉम्प्रो। चलो ठीक है, मैं आपको एक फ्रैंक, आप इतने फ्रैंक हो चुके हो मेरे साथ तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरा ना लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कॉम्प्रो के लिए रेडी हो मुझे वो चीज़ समझ आ गई है, लेकिन मेरा लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप एग्री हो उस चीज़ के लिए? लाइक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? बोलोगे आप अपने मुंह से क्या कहना चाहती हूँ मैं? मैम मैं आपके साथ कॉम्प्रो करने के लिए रेडी हूँ। मतलब इतनी जल्दी तुम रेडी हो गई, ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुन के। ठीक है, गिव एंड टेक तो चलता ही है और ये तो खुली बातचीत है, मुंह पे ही खुला बोलना ही सही रहता है, और हर कहीं भी जाओगी तुम, फैशन इंडस्ट्री कहीं भी जाओगी, इवन हर जगह पे तुम्हें वो फेस टू फेस क्लियर डायरेक्टली बोल देगी कि कॉम्प्रो मस्ट है। तो वो फिर तुम एग्री हो? लाइक अब ऑन द स्पॉट अगर मैं कुछ चाह रही हूँ तुमसे, तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? चलो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में है, तो बताओ फिर अभी क्या कर सकती हूँ ऑन द स्पॉट मेरे लिए? मैम मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ? लाइक ठीक है, कुछ भी मतलब क्या कर सकती हूँ ऐसा कि जिस वेट 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 क्या है ये, क्या है ये? मैम आपने कॉम्प्रो के लिए बोला ना। तो यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी एक छोटा सा, मैं जस्ट तुम्हें चेक कर रही थी, तुम्हारी ऑनेस्टी चेक कर रही थी कि तुम कितनी ईमानदार हो अपने काम के लिए। मैंने तुम्हें बोला मैं अगर मेरा लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम ये सब करने के लिए तैयार हो, प्लीज़ पहले इसे पहनो और फिर मुझसे बात करो। सीरियसली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार अनन्या, अनएक्सपेक्टेड था ये, आप इसको पहनो और फिर मुझसे बात करो जो भी बात करनी है प्लीज़, कुछ भी मतलब। यार आप एक बात बताओगे, आपने यहाँ पे ना माँ का टैटू कराया है, माँ का टैटू कराया है, तुम्हें अपनी मम्मी से प्यार नहीं है क्या, अपने माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं है? एक्चुअली बात यह है कि तुम्हें जॉब चाहिए थी और मैं तुम पे एक छोटा सा प्रैंक करना चाहती थी, मजाक करना चाहती थी, लाइक कि मैं मेरा लड़कों में इंटरेस्ट, बात नहीं समझ रही है, मेरी न्यू मैरिड हुई है और मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करता, मैं कहाँ रहूँगी कैसे खाऊंगी? तो मतलब आप कपड़े उतार दोगी वो भी किसी के आगे? यहाँ तो मैं एक लड़की हूँ और मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर यार मेरी जगह कोई, एक सेकंड, अगर मेरी जगह कोई लड़का होता तो तुम उसके आगे भी ये करती? सीरियसली यार दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड अनन्या, क्या हो गया यार आजकल की लड़कियों को, हुआ क्या है? मतलब तुम जॉब के लिए अपने कपड़े उतार दोगी क्या? मतलब तुम्हारा लेवल क्या यहाँ पे है? तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है यार? प्लीज यार अगर तुम्हें रियल टैलेंट है ना तो तुम आगे बढ़ सकती हो, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कॉम्प्रो करने के लिए ही बोलते हैं और तो यार अपने आप अंदर वो चीज लाओ, अपने अंदर वो चीज लाओ कि तुम्हें सामने वाला बोल ही ना पाए, तुम्हारी खुद की इज्जत होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
माँ का टैटू करा रखा है मेरे को ना, सीरियसली बहुत अच्छा लगा था स्टार्टिंग में देख के, प्लीज डोंट क्राई। और अब देखा तो मैंने यार तुम्हें अपने माँ बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो इस बात को समझो, इस बात को समझो, अगर तुम्हारे में रियल टैलेंट है ना, तुम में वो बात है, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा तुम्हें रखने के लिए जॉब पे। पर ये सब करने से यार, दो कौड़ी की चीज़ें करने से ये सब कुछ नहीं होगा। प्लीज़ समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं अब इतना कर रही हूँ तुम्हारे लिए, मैं मतलब सीरियसली मैं तो क्या ही बोलूँ, तुमने क्या किया, इतना कर रही हूँ कि मैं एक बंदा दे रही हूँ जिसके अंडर तुम रहोगी, वो तुम्हें सारा काम सिखाएगा। जब तुम बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगी ना, उसके बाद तुम मेरा काम मैनेज कर लेना। ओके, बट प्लीज़ 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 हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे आगे, यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, हाथ जोड़ रही हूँ, आज के बाद ऐसा किसी के सामने मत करना। और लोगों को और लड़कों को और लड़कियों को बढ़ावा मिलता है ऐसा करने से, समझ रही हो बात को? आर यू हैप्पी नाउ? प्लीज़। और मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने कैमरा लगा रखा था देखो सामने, मैं जस्ट तुम पे एक प्रैंक करने वाली थी छोटा सा, लेकिन तुमने जो किया वो अनएक्सपेक्टेड था, और पब्लिक भी देख रही है अभी हमें। अब पता है तुमने, तुम्हारी मजबूरी है मुझे समझ आ रहा है, लेकिन कुछ लड़कियों की मजबूरी होती है, उसकी वजह से सब बदनाम हो जाती है यार, कि सब लोग लड़कियों को ही गालियाँ देते हैं कि लड़कियाँ ऐसे होती है। तो यार अपनी वो उस सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करो ना तुम लोग, कि सामने वाला तुम्हें गलत बोलने से पहले 10 बार सोचे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हो। एंड कल ऑफिस 11 बजे, ठीक है? सो मच मैम, इट्स ओके, बाय बाय। जैसा कि देखा आप लोगों ने, क्या मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये सब। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ आप सब लोगों को, कि यार एक लड़की में रियल टैलेंट है ना, तो उसको ये कॉम्प्रो ये सब करने की कोई नीड नहीं है, अगर उसमें खुद में दम है तो। तो प्लीज़ अगर अच्छे लगे, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, और अपने आइडियाज़ और जितने लोग परेशान हैं जिनको हेल्प चाहिए, वो इंस्टाग्राम पे यहाँ प्रोफाइल चल रहा होगा, जल्दी से जाके DM कर देना। अच्छे अच्छे कंटेंट्स और आपके लिए लेके आते रहेंगे। लव यू।